आई थिंक जहाँ तक मेरी समझ है कि जितने भी त्यौहार हैं और हमारे देश में बहुत सारे हैं, होली का त्यौहार होता है, दिवाली होती है, ईद है और बहुत सारे त्यौहार हैं, मतलब भाई दूज है, राखी है, कुछ का पर्पस होता है डिफाइन। बट आई थिंक मुझे ऐसा लगता है पुराने ज़माने में ये सब त्यौहार इसलिए मनाए गए थे कि सबके सब एकत्रित होकर एक जगह आकर इन्जॉय करें, एक भाईचारा हो, दोस्ती हो, एक रिलेशनशिप बढ़े। सो आई पर्सनली फील, मुझे इतना रिलीजियस ज्ञान नहीं है हर त्यौहार का, लेकिन कहीं ना कहीं पे उसको एक डिसिप्लिन का नाम देकर आई थिंक द रीज़न फॉर हर त्यौहार इज कि हम एक भेदभाव के बिना साथ में रहकर खुशियाँ बनाएं। सो आई ट्रूली बिलीव दैट। सो आई डोंट नो, एंड ऑफ कोर्स लोगों के अपने अपने रिचुअल्स होते हैं, अकॉर्डिंग टू रिलीजन दे शुड फॉलो इट एट होम एंड दे शुड, बिकॉज आई थिंक डिसिप्लिन इज अ गुड थिंग, विच एवर रिलीजन प्रमोट्स इट, अ गुड डिसिप्लिन। बट बियॉन्ड दैट आई थिंक जैसे हम जब दिवाली मनाते हैं तो हम तो खुशी के लिए मनाते हैं, दिए जलाते हैं घर में, ईद भी ऐसे ही होती है, होली भी थोड़ा सा वो पानी वानी जो है मुश्किल देता है, लेकिन इट्स नाइस टू बी टुगेदर। सो आई थिंक एवरी फेस्टिवल इज़ फॉर टुगेदरनेस एंड यस वट एवर द रिचुअल इज आई एम श्योर पीपल फॉलो दैट, बट आई थिंक द मेन पर्पज ऑफ एवरी फेस्टिवल इज टुगेदरनेस एंड आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन इंडिया हैज़ द मोस्ट फेस्टिवल्स, so we have excuses to be together more often than any other country in the world. So she hates to come on stage, but where is Deepak Dhar? Deepak is also here. I think Deepak, you should come on stage. You know, the challenge every year is to keep reading